हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या चेंजेस हमको देखने मिलेंगे अभी हॉनर एटेक्स के एंड्रॉयड 9 पाई अपडेट के बाद। यहाँ पे ईएमए 9 भी उसके साथ आने वाला है, तो ईएमए 9 में हमको क्या अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या फीचर्स चेंज होने वाले हैं, क्या परफॉर्मेंस में यहाँ पे बदलाव आने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ के वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस में हमको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो स्पीड अप होने वाला है वो 35% तक मैक्सिमम स्पीड अप हो जाएगा यहाँ पे आपका स्मार्टफोन ईएमए 9 अपडेट के साथ। यहाँ पे आपको जो है ऐप्स वगैरह और सभी कुछ फास्टर जो है ओपन होंगे। यहाँ पे जो है उसका जो कस्टमाइजेशन जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर स्पीड मिलेगी और ऐप्स भी जो है करीब 35% तक फास्टली जो है ओपन होंगे। यहाँ पे कि गेमिंग में क्या चेंजेस होने वाले हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको जो अपने टच सेंसिटिव है, यानी कि डिस्प्ले में जो आपका टच सेंसिटिवनेस है, यहाँ पे वो 35% तक ये भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपको जो है 3.6 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका हीटिंग, जो आपका डिवाइस जो हीट होता है 3.6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। अभी बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे फीचर्स में पहला फीचर है कैलोरीज चेक करने का। यहाँ पे आप किसी भी फूड आइटम को अपना कैमरा ओपन करके किसी भी फूड आइटम की कैलोरीज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे वायरलेस प्रोजेक्शन का। आप अपने पीसी पर जो है यहाँ पे वायरलेस प्रोजेक्शन कर सकते हैं अपने फ़ोन से और कुछ भी प्रेजेंटेशंस वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इजीली और कन्वीनियंट हो गया है, डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन में दिया जाएगा वायरलेस प्रोजेक्शन का ऑप्शन, जहाँ से आप इजीली जो है ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है ग्रे मोड का। तो यहाँ पे ग्रे मोड कुछ नाइट मोड की तरह है, यहाँ पे आपके आई को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे इस ग्रे मोड को लाया गया है। और एक मोटो भी है इस ग्रे मोड का, यहाँ पे ग्रे मोड इसलिए भी दिया गया है कि ताकि आपको नाइट में जो है ज़्यादा लॉन्ग आवर्स जो है यहाँ पे फ़ोन को यूज़ करने के लिए इंटरेस्ट ना आए, आपका इंटरेस्ट चला जाए और आप अच्छे से नींद करें, ये भी इसका मोटो है। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईएमआई 9 का डिज़ाइन जो एक सिंप्लीफाइड डिज़ाइन होने वाला है, स्मूथ फील वाला। यहाँ पे सब कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को निकाल कर लाइट वेटेड चीज़ें बना दी जा रही है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, सभी चीज़ों को स्मॉल किया जा रहा है ताकि आपको लार्जर डिस्प्ले का मज़ा ले सकें। तो यहाँ पे कुछ यही थे फीचर्स, कुछ यही थे चेंजेस जो आपको मेनली यहाँ पे ईएमए 9 में देखने को मिलेंगे और ये हॉनर 8X में भी अप्लाई करे जाते हैं और दूसरे डिवाइसेस में भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो है हॉनर वालों के साथ बात की है, मैंने कहा है उनको कि जल्द से जल्द मेरे डिवाइस को भी जो है रोल आउट कर दें ईएमए 9। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे ईएमए 9 का रोल आउट मिल जाएगा मैं अपडेट करके आपको बता दूंगा कि क्या फीचर्स हैं, उसका भी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।